गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम भाषा अभ्यास बुक में से पाठ 5 जन्मदिन का अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला अभ्यास कार्य है पाठ जन्मदिन के आधार पर दिए गए शब्दों में आधा वर्ण लगाकर शब्द पूरा कीजिए। ये जो फिलअप है, ये जो शब्द हैं, इनमें जो शब्द यूज़ होंगे वो सारे आधे वर्ण होंगे। जैसे कि फर्स्ट में देखो, अम्मा, अम्मा में म की बिल्कुल छोटी सी आवाज़ आ रही है पहले म की, तो उस वो वाला वर्ण क्या लिखा जाएगा, आधा। अम्मा गुब्बारे रसगुल्ले, मम्मी रत्ना, चंपा डॉक्टर, डिब्बा धन्यवाद, जन्म। ये जो आधे वर्ण है बेटा, इनकी आवाज़ पर ज़्यादा बल नहीं लगाया जाता, जो पीछे वाले अक्षर हैं उन पर ज़्यादा दबाव होता है। इनकी थोड़ी सी ध्वनि होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, आधा वर्ण यहाँ प्रयोग किए गए। जैसे बच्चा, चा वर्ड पर ज़्यादा दबाव है और जो बीच वाला च है उस पर कम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे आधे वर्ण यहाँ पे आपने फिल करने हैं। नेक्स्ट पार्ट, पाठ जन्मदिन के आधार पर दिए गए शब्दों के साथ लगने वाले ठीक शब्द चुनकर लिखिए। फर्स्ट वन इज घर। अब हम ये ऑप्शन देखेंगे, देना, बनाना, काटना, सुनाना, सजाना, गाना। कौन सा ऑप्शन है जो घर के साथ सेट आ सकता है, इसके साथ मैच कर रहा है, सजाना, घर सजाना। गुलदस्ता देना, क्योंकि आनंद ने गीता को गुलदस्ता दिया था ना। वैसे तो गुलदस्ता बनाना भी सही आ सकता है, क्योंकि हम गुलदस्ता घर पे बना भी सकते हैं, लेकिन पाठ के आधार पर क्या था, गुलदस्ता देना। पकवान बनाना, दादी और मम्मा ने मिलके पकवान बनाए थे। केक काटना। गाना गाना। चुटकुले सुनाना। ये शब्द आपने यहाँ पर इन खाली स्थान में लिखने हैं, यहाँ से देखकर, ऑप्शन से देखकर। ये पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दो पार्ट आपने आज करने हैं। और एक चीज़ आपने और करनी है, भाषा माधुरी में कल जो हमने प्रश्न उत्तर किए थे उसी के नीचे एक पार्ट दे रखा था कि आप अपना जन्मदिन किस तरह मनाते हैं, उसकी आपने 5-6 पंक्तियों में बताना है। अच्छा बच्चों, वो कार्य आपने अपनी नोटबुक पर करना है कि आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो, लिखना है। ओके, और ये जो वर्क है ये आपने अपनी भाषा अभ्यास की बुक पर ही करना है। ठीक है, ये पेज नंबर 22 है भाषा अभ्यास बुक, और आगे वाला पेज हम कल करेंगे। यहाँ पर आपने आधे वर्ण वाले शब्द भरने हैं और यहाँ पर आपने ऑप्शन देखकर ये वाले शब्द करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।